एक कथा बहुत ही प्यारी, जो तीसरी कथा है ओशो की, कि बकरी कभी नहीं पालनी चाहिए, बकरी नहीं बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। एक आश्रम में चूहे बहुत परेशान करते थे। किसी शिष्य ने आकर गुरुजी से कहा कि चूहे बहुत हैं, एक बिल्ली पाल लो। तो दूसरे शिष्य ने कहा गुरुजी से कि ये बात सही कहता है, आश्रम में चूहे से हम बहुत परेशान हो चुके, हमारा भोजन भी ये चट कर जाते हैं, दूध भी पी जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बिल्ली कभी नहीं पालनी चाहिए। शिष्य नहीं माना। शिष्य के कहने पर गुरुजी ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालते ही चूहे समाप्त हो गए, लेकिन बिल्ली को दूध चाहिए। तो उसी शिष्य ने आकर कहा गुरुजी, बिल्ली ने चूहे समाप्त कर दिए, लेकिन बिल्ली को भी भोजन की आवश्यकता होती है, हमें एक गाय पाल लेनी चाहिए। गुरुजी के काफ़ी ना नुकुर के बाद मान गए और उन्होंने कहा गाय ले आओ। गाय लाए तो आश्रम की शांति में थोड़ी थोड़ी विघ्न आने लगी। उसको चारा खिलाना पड़ता था, जंगल में भी ले जाना पड़ता था। तो गुरुजी बहुत परेशान हो गए, वो ध्यान साधना बराबर नहीं कर पाते थे, गाय का ध्यान भी उन्हें ही रखना पड़ता था। शिष्य अपना काम करते थे, ज्ञानार्जन करते थे। तो दूसरे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप अकेले हैं, गाय का ध्यान भी रखना पड़ता है और आपको समय कम मिलता है, तो क्यों न एक गुरु माता हम ले आएँ जो गाय का भी ध्यान रखेगी और आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी कर देगी। गुरुजी काफ़ी ना नुकुर के बाद तैयार हो गए और गुरु माता आई, जो गाय को तो पालती थी लेकिन गुरुजी से लड़ाई झगड़ा भी करने लग गई। उसकी भी और नई आवश्यकताएं होती थी जो गुरुजी को पूरी करनी पड़ती थी। गुरुजी और अधिक परेशान हो गए। गुरुजी ने शिष्य को आकर कहा देखो, मैंने शुरू से ही कहा था बिल्ली नहीं पालना चाहिए, एक बिल्ली के आने से कितनी नई चीज़ों को लाना पड़ा और हम और अधिक परेशान हो गए। इसलिए गुरुजी की यह कथा बहुत ही मधुर है, जो शिक्षा देती है कि अपनी आवश्यकताओं को कम किया जाए। यदि हम एक चीज़ लाते हैं तो दूसरी नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उसकी पूर्ति के लिए नई चीज़ लाते हैं तो तीसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समस्याओं की श्रृंखला बढ़ती ही जाती है। इसलिए कहा गया है कि बिल्ली कभी नहीं पालनी चाहिए।